इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक, जो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही अवेलेबल है। हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे कि कैसे आपका जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है और कब आपको ये जो रिबेट है वो एप्लीकेबल होगा। तो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब एप्लीकेबल होगा ये मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। तो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम होती है, जैसे कि आप देख सकते हो 5 लाख का फिगर है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, तो आपको मैक्सिमम टैक्स रिबेट जो है वो मिलेगा 12,500 रुपए तक का। यानी कि अगर आपका इनकम टैक्स होता है 12,500 रुपए या फिर उससे कम, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें ये जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A है इसके हिसाब से इतना अमाउंट का हमें रिलीफ मिलता है। तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। दूसरी तरफ अगर न्यू टैक्स रेजिम को देखो तो टैक्सेबल इनकम आपकी जो है वो 7 लाख या उससे कम होनी चाहिए, ये लिमिट है न्यू टैक्स रेजिम में, तो आपको मैक्सिमम टैक्स रिबेट मिलेगा 25,000 रुपए तक का। यानी कि अगर आपका इनकम टैक्स 25,000 रुपए के अंदर है सारे टैक्स लैब रेट्स को कैलकुलेट करने के बाद, जो कि हम देखने वाले हैं, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर 10 रुपए भी चला गया, समझो 25,010 रुपए हो जाता है आपका इनकम टैक्स, तो ये पूरा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, इसमें से आपको 25,000 रुपए माफ नहीं होंगे। अब दोस्तों इसमें हमने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलता है 50,000 रुपए का वो कंसिडर नहीं किया है, तो अगर उसको भी ऐड किया जाए तो 5,50,000 रुपए की लिमिट हो जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसिडर करके। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो और उतने अमाउंट पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे। इसके साथ साथ न्यू टैक्स रेजिम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अब मिलता है हमें फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 से। तो यहाँ पे 7,50,000 रुपए तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो 50,000 रुपीज माइनस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन को यूज करके, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा ये टैक्सेबल इनकम की लिमिट्स है अगर आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा उठाना है। अब चलिए देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए कि किस तरीके से आपका ये जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाता है। तो समझो अगर आपकी यहाँ पे ग्रॉस इनकम 5,50,000 रुपए है, तो हम यहाँ पे 5,50,000 मेंशन करते हैं। आपका जो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको भी कंसिडर करने के बाद, इसके अलावा यहाँ पे हम 50,000 रुपीज मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 आपको मिल रहा है। अब दोस्तों आपको और कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5,50,000 में से ये 50,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और आपकी टैक्सेबल इनकम 5,00,000 रुपए हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। तो इतना अमाउंट का जो टैक्स है वो माफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेक्शन 80C में जीरो का अमाउंट मेंशन कर देते हैं और बाकी के सेक्शंस में भी जीरो का अमाउंट मेंशन करेंगे, हमें कोई भी डिडक्शंस क्लेम करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल इनकम है हम उसको लेंगे, माइनस करेंगे हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर आप और कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हो यहाँ पे तो वो वाले अमाउंट्स भी आपको माइनस करने होंगे। तो ये सारे अमाउंट्स को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, और फिर जैसे कि आप देख सकते हो 5,00,000 रुपीज का टैक्सेबल इनकम होता है। अब यहाँ पे हम स्लैब वाइज कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हर एक स्लैब में आपका कितना इनकम टैक्स होता है, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जानने की जरूरत है। तो ये मेरी वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम क्या है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए। इसके अलावा मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 0 से लेकर 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 0% का इनकम टैक्स है। और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए है, तो पहले 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का जो डिफरेंस है वो 2.5 लाख रुपए का होता है,
उस पे हमें 5% का टैक्स देना होगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कैलकुलेटर को यूज करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 लाख रुपीस मेंशन करेंगे जो कि अपर लिमिट है, यहाँ पे माइनस करेंगे 2.5 लाख रुपीस। तो जैसे कि आप देख सकते हो डिफरेंस है 2.5 लाख रुपीज का। इस पे हमें 5% का टैक्स देना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12,500 रुपये आपका टैक्स होता है स्लैब 5% के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 12,500 रुपीज मेंशन कर देते हैं। और फिर इसके बाद स्लैब 20 और 30% एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए है। जो 20 और 30% स्लैब रेट्स है वो 5 से लेके 10 लाख और 10 लाख के ऊपर की इनकम पे होती है। तो यहाँ पे हम 0 का अमाउंट मेंशन कर देते हैं। तो अब दोस्तों सम ऑफ स्लैब्स कितना हुआ, यानी कि ये सारे स्लैब्स को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो सम होता है वो हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और ये सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 12,500 रुपीज हमारा टैक्स होता है। अब टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसके मुताबिक हमने ये देखा कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख या उससे कम है तो आपको 12,500 रुपये की टैक्स की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपये है, तो आपको यहाँ पे टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा जो कि 12,500 रुपये मैक्सिमम होने वाला है। अब दोस्तों जो आपका टैक्स हुआ था वो इतना था, लेकिन आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा जो कि एक रिलीफ है। तो टैक्स आफ्टर रिबेट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हमें माइनस करने हैं, 12,500 माइनस 12,500। तो आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता और सेस ऑफ 4% जो है वो आपका इस अमाउंट पे बनना चाहिए टैक्स रिबेट को माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे भी अमाउंट ये जो है वो 0 हो जाएगा और आपका टोटल इनकम टैक्स 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या फिर उससे नीचे है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब इसी तरीके से समझो अगर आपकी ग्रॉस इनकम 5 लाख रुपए थी तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपीज मेंशन करते, इसके हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख रुपए हो जाती। अब 4.5 लाख पे आपका 5% का टैक्स कितना होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4.5 लाख हम मेंशन करेंगे, इसमें से पहले 2.5 लाख हमें माइनस करने होंगे क्योंकि उतने अमाउंट पे हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा 2 लाख रुपए का जो ऊपर का डिफरेंस है वो बनता है, इस पे हमें 5% का टैक्स देना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10,000 रुपए का इनकम टैक्स होता है स्लैब 5% के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 10,000 रुपीज मेंशन किया, हमारा सम ऑफ स्लैब जो है 10,000 रुपीज होता है। तो वापस से हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के नीचे है, तो हमें पूरा का पूरा टैक्स रिबेट मिलेगा, यानी कि जो 10,000 रुपए का टैक्स है वो कैंसल हो जाएगा हमारे टैक्स रिबेट के साथ और हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये वाला अमाउंट जो है अभी 10,000 रुपए हो जाएगा। आप जब ITR फाइल करोगे तो आपको ये वाला अमाउंट एज अ टैक्स रिबेट दिखेगा। तो ये दो एग्जांपल्स रहे जहां तक आपका 0 का इनकम टैक्स होता है जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है। अब ये नंबर्स हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 सेलेक्ट करते हैं, योर एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट करते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप बाकी के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और सैलरीड एम्प्लॉय हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अपने आप अप्लाई हो जाए। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाया, 5,50,000 हम मेंशन करेंगे जहाँ पे हमारा कोई भी टैक्स नहीं बनता। तो यहाँ पे हम 5,50,000 रुपीज मेंशन करते हैं
और जैसे ही हमने नीचे स्क्रॉल किया, जैसे कि आप देख सकते हो, ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 हमें मिल गया है यहाँ पे, जिसकी मदद से हमारी टैक्सेबल इनकम ₹5,00,000 हो गई, और 5 लाख या उससे कम के इनकम पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। और दूसरी तरफ अगर आप देखो, न्यू टैक्स रेजिम की जो लिमिट है वो ₹7,00,000 है, तो हमने तो यहाँ पे ₹5.5 लाख का अमाउंट मेंशन किया है, तो उसमें भी हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट की मदद से। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जहां पे हमारी जो ग्रॉस इनकम है वो ₹6,00,000 है, तो समझो यहाँ पे ₹6,00,000 हमने मेंशन किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हम कंसिडर करते हैं, और समझो हमने यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करे, तो हमारी टैक्सेबल इनकम 5,50,000 हो जाती है। अब इस इनकम पे हमारा कितना इनकम टैक्स होगा, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है स्लैब 5% के हिसाब से, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में जो 5% का टैक्स होता है वो ₹12,500 होता है, तो हम यहाँ पे ₹12,500 मेंशन करते हैं, लेकिन हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो 5.5 लाख है, यानी कि हमारा जो टैक्स स्लैब है वो हम इस टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं, जो कि 20% का स्लैब है। यहाँ पे 5 लाख से 5.5 लाख रुपीस तक हमें 20% का टैक्स देना होगा, तो यहाँ पे ₹50,000 का डिफरेंस होता है, तो हम ₹50,000 मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो जैसे कि आप देख सकते हो ₹10,000 का हमारा अमाउंट बनता है एस टैक्स, जहां तक 20% का स्लैब रेट का सवाल है, तो हम इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो हमारा सम ऑफ स्लैब्स होता है ₹22,500। लेकिन दोस्तों अब हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के नीचे नहीं है, तो हमें कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो हम जीरो का टैक्स जो है वो मेंशन कर देते हैं, तो टैक्स आफ्टर रिबेट कितना हुआ, क्योंकि हमें कोई भी रिबेट नहीं मिल रहा, तो ये पूरा का पूरा टैक्स हमें पे करना होगा, तो ₹22,500 का हमारा टैक्स होता है, और सेस ऑफ 4% हमें इस पे 4% कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे हम 22,500 मेंशन करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 100, तो जैसे कि आप देख सकते हो ₹900 का सेस ऑफ 4% होता है, तो ये ₹900 हम मेंशन करेंगे, और सम ऑफ बोथ दीज नंबर्स यानी कि टैक्स आफ्टर रिबेट प्लस सेस ऑफ 4%, ये दोनों नंबर को ऐड करने के बाद हमारा जो इनकम टैक्स है वो होता है ₹23,400। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो टैक्स है वो हमें पे करना पड़ेगा अगर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के ऊपर चली जाती है। अब इस नंबर को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके। यहाँ पे हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है ₹6,00,000 मेंशन करना होगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी कंसिडर करके हमारा टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख हो जाएगा, जिसकी मदद से 23,400 का टैक्स होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 23,400 का टैक्स होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा टैक्स देना होगा, टैक्स रिबेट काम में नहीं आएगा जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर है, तो इस केस में आप बाकी के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उनको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि आप ला सकते हो वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और डिडक्शंस को यूज करके, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जहां तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं कि कैसे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम न्यू टैक्स रेजिम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो उसी प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अगर हम कंसिडर करें तो 7.5 लाख हम मेंशन करेंगे, और फिर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा, और ये जो बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में बाकी के डिडक्शन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे नंबर्स को हम जीरो मेंशन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा टैक्सेबल इनकम होता है 7 लाख रुपीज, 7.5 लाख माइनस 50,000 को कंसिडर करने के बाद, तो स्लैब 5% के हिसाब से हमारा टैक्स कितना होता है, तो वापस से हम यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम का जो स्लैब रेट है उसको यूज करने वाले हैं, तो 3 लाख से 6 लाख के इनकम पे 5% का टैक्स है, यानी कि ये 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम 3 लाख रुपीज मेंशन करेंगे, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 5% का टैक्स देखने के लिए, तो ₹15,000 का हमारा टैक्स होता है, तो इस चीज को हम कॉपी करेंगे और फिर स्लैब 5% में मेंशन कर देते हैं। अब स्लैब 10% के हिसाब से
कितना टैक्स होगा? तो यहाँ पे 6 लाख से 9 लाख के इनकम पे हमारा 10% का टैक्स होता है, लेकिन हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 7 लाख रुपए है। तो 6 लाख से 7 लाख तक यानी कि 1 लाख रुपए के डिफरेंस पे हमें 10% का टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपीज का जो डिफरेंस मिला है हमें 6 लाख से 7 लाख रुपीज के बीच में, उसको कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10,000 रुपीज का टैक्स होता है। इस चीज को हम कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे स्लैब 10% में पेस्ट कर देते हैं। और ये जो बाकी के स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपए है। तो यहाँ पे हम 0 का अमाउंट मेंशन कर देते हैं। अब सम ऑफ स्लैब्स कितना हुआ, तो ये सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे जो कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो 25,000 रुपीज का हमारा सम ऑफ स्लैब्स होता है। और टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या आपको इस केस में मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या फिर इससे कम है, तो मैक्सिमम आपको जो टैक्स रिबेट मिलेगा वो 25,000 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पे हम 25,000 रुपीज मेंशन करेंगे और फिर टैक्स आफ्टर रिबेट, तो 25,000 का आपका टैक्स हुआ और रिबेट भी आपको 25,000 का मिल रहा है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स आफ्टर रिबेट 0 होगा, सेस ऑफ 4% वापस से 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं है, और टोटल इनकम टैक्स भी आपका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से 7.5 लाख की इनकम पे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम वापस से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आएंगे, 7.5 लाख रुपीज तक हम मेंशन करते हैं, सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलेगा और 50,000 रुपीज। और फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी टैक्स नहीं, लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 7.5 लाख के ऊपर जाती है, समझो 8 लाख रुपीज आपकी इनकम है, तो अगर आप यहाँ पे देखो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जो 25,000 रुपए थे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे जो आपको टैक्स रिबेट मिलने वाला था, और उसके अलावा जो ऊपर का 1 लाख रुपए है 7 लाख के ऊपर का अमाउंट, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा, जिसके हिसाब से आपका 31,200 रुपीज का टैक्स होता है। लेकिन इस केस में आप और कोई भी डिडक्शंस को यूज नहीं कर सकते आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करना चाहिए आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं यहाँ पे जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो, जान सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होगा और वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस को क्लेम करके आपकी जो टैक्सेबल इनकम है आप उसको कम कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत न पड़े। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinKLC TV को, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।